hello friends welcome back to english video of the kumari so friends today in this video we are going to discuss future perfect tense in detail with the help of a lot of examples as you know we had started 10 series and this will be our last video of our 10 series and we already have discussed future indefinite and future continuous tense in our previous video so without further delay let's get started फ्यूचर परफेक्ट वट इज़ द मीन ऑफ अ फ़्यूचर परफेक्ट सो परफेक्ट के नेम से ही आपको पता चल जाता है कि ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो जाता है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं बट फ्यूचर परफेक्ट का मीनिंग ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के टाइम आने वाले के टाइम आने वाले समय पूरा हो चुका होगा उसको हम परफेक्ट बोलते हैं जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा था हमने हैज़ और हैव का यूज़ करा था परफेक्ट टेंस में और पास्ट में हैड का यूज़ करा था बट फ्यूचर परफेक्ट में हमने हैव का यूज करना होता है जब कोई कम पूरा हो चुका होता है बाकी जो आपको पता है कि विल शेल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब रहती हैं ये हमारे पूरे के पूरे फ्यूचर की जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं वेदर इट्स इंडेफिनिट कंटेंट या फिर परफेक्ट हो उसमें हमने विल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है दूसरी बात ये काम इसमें काम पूरा हो चुका होगा इसलिए हमने यहाँ पे हैफ़ का यूज़ करना है बाकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पिछले हमारे वीडियोज जितने भी हमारी आई थी वीडियो जैसे इंडेफिनिट होगी कॉन्टिन्यू परफेक्ट तो इसकी भी आगे फाइव टाइप्स होंगी फर्स्ट टाइप आती है सिंपल सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट देन विल का यूज होगा देन जो हमारा हैव जैसे कि मैंने अभी बताया हैव का मीनिंग क्या होता है कि जिस जो काम पूरा हो चुका होता है उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे और विल का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है लास्ट में हैव के साथ आपको बताया पता है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी देन ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा सो so आपने ये चीज़ आपने माइंड में इट यू यू कैन जस्ट रिमेंबर इट यू हैव टू जस्ट रिमाइंड एप्ट ऑल द टाइम कि जब भी आपके परफेक्ट के टेंस आएंगे वेदर इट्स प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो उसमें आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है नेक्स्ट आपकी हमारी टाइप आती है नेगेटिव तो नेगेटिव का रूल होता है पहले सब्जेक्ट आएगा देन विल का यूज़ होगा देन उसके बाद नोट लगेगा देन जो हैव का कॉम्बिनेशन है ये टूट जाएगा जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था विल बी का कॉम्बिनेशन टूट जाता है जब हम नेगेटिव का यूज़ करते हैं इसी तरह परफेक्ट में भी जो विल हैव का कॉम्बिनेशन होता है वो टूट जाता है जब हम उसमें नेगेटिव का यूज़ करते हैं और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा सो दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड टाइप हमारी आती है इंटरोगेटिव सो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे किसी से कि फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले विल का यूज होगा ठीक है उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करना है देन हैव लगेगा देन वर्फ की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस फोर्थ हमारी टाइप आती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमारी नेगेटिव की सेंस भी आएगी और इंटेरोगेटिव की सेंस भी आएगी जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं सो फर्स्ट इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं उसका यूज होगा देन सब्जेक्ट आएगा देन हैव लगेगी देन वर्ब उसके साथ नॉट आएगा बिकॉज ये हमारा नोट का सेंटेंस है इसलिए हमने यहाँ पे नोट का यूज करना है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आपने कंफ्यूज नहीं होना सेम चीज़ें वही चलेंगी बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है कि हमने इधर उधर कर देने होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जैसे देखा कि हमने यहाँ पे जो हमारा हैव है उसके बाद हमारी नोट का यूज़ होगा ठीक है देन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पहले हमने हैव के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी थी बट इसमें अब नोट का यूज़ हुआ है इसलिए हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को तोड़ के उसके सेंटर में नोट का यूज़ कर देना होता है लास्ट टाइप हमारी आती है डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स इसमें क्या होता है कि जो हमारे डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं देन हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे देन सब्जेक्ट आएगा फिर हैव आएगा देन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर इसी में डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड में आपने नोट लगाना हो तो वो कब आएगा हैव के बाद बिकॉज जब हम तुम्हारा जो है प्लस वफ की थर्ड फॉर्म वाले जो कम्बिनेशन होता है वो टूट जाता है जब हमारे नेगेटिव के सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट में नाउ वी विल हैव लुक ऑन एग्जाम्पल्स सो फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं पत्त लिख चुकी होंगी ठीक है मैं जो फ्यूचर में वो काम कर चुकी होंगी उसको हम फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं नेक्स्ट वह पत् लिख चुका होगा ठीक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात करी है इसमें कि वह फ्यूचर में ये काम कर चुका होगा अभी तो श्योर नहीं है बट फ्यूचर में वो ये काम कर चुका होगा नेक्स्ट हम पत्र लिख चुके होंगे हम काफ़ी लोग हैं वो पत्र लिख चुके होंगे तो जो काम आप फ्यूचर में कर चुके होंगे यू आर जस्ट टेलिंग एनी एनीवन वन कि मैं ये काम कर चुका होंगे डोंट वरी अबाउट इट आपने वो काम अभी पूरा किया नहीं है बट आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि मैं ये काम कंप्लीट डन कर चुका होगा। हूँ so, ऐसे वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं नाउ वी विल फॉर्म सेंटेंस विद हेल्प ऑफ रूल्स मैं पत्र लिख चुका I will आई विल a लेटर अकॉर्डिंग टू द रूल पहले आप हमारा सब्जेक्ट आएगा देन हेल्पिंग विल का यूज होगा उसके साथ हैव का यूज होगा देन राइट रोट रिटर्न बिकॉज वब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसलिए हमने रिटर्न का यूज़ किया देन लास्ट में ऑब्जेक्ट वह पत्र लिख चुका होगा ही विल हैव रिटर्न अ लेटर हम पत्र लिख चुके होंगे वी विल हैव रिटन अ लेटर सो इसमें सिंगुलर प्लूरल के साथ कोई आप, आपने जस्ट वर, आ, विल का यूज़ करना है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने कि हाँ विल कहाँ लगेगा शैल कहाँ लगेगा एनी आप किसी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हो देन उसके बाद हैव लिखगा देन वफ हैव के साथ वफ की थर्ड फॉर्म so तो दिस इज अंपल रूल ऑफ द फ्यूचर परफेक्टेंस नेक्स्ट हमारी आती है नेगेटिव तो नेगेटिव के रूल से हम कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई विल नोट है लेटर इस मीन्स की मैं पत्थर नहीं लिख चुका हूँ तो जब नेगेटिव के सेंटेंसेज आ जाते हैं तो विल हैव का जो कम्बिनेशन होता है वो टूट जाता है उसके बीच हमने नोट का यूज कर देना होता है वह पत्र लिख चुका होगा ही विल वह पत्र नहीं लिख चुका होगा ही विल विल नॉट नॉट हैव हैव रिटन रिटन अ अ लेटर लेटर वी हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे तो चाहे विल है चाहे यहाँ पे आपका वी है चाहे आई है या ही है अपने विल का यूज करना है उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव के जो हमारे रूल्स होते हैं उसकी हेल्प से हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करनी होती है अगर मैंने आपको बोलना हो क्या मैं पत्र लिख चुकी होंगी विल आई हैव रिटन अ लेटर क्या वह पत्र लिख चुका होगा विल ही हैव रिटन अ लेटर क्या हम पत्र लिख चुके होंगे विल वी हैव रिटन अ लेटर सो देखा आपने विद द हेल्प ऑफ रूल्स हमने कैसे एस जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी फॉर्मेशन करी है जिसमें हेल्पिंग वर्ड्स पहले आ जाएंगे देन सब्जेक्ट का यूज़ होगा देन हमारे जो हैव थे हेल्पिंग वर्फ के साथ जो हमने हैफ का यूज करना होता है वो आएंगे देन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रिटर्न देन लास्ट में सब ऑब्जेक्ट का यूज होगा और हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है इन द राइटिंग नेक्स्ट हमारी टाइप आती है नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा बट वो जो क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव की नेगेटिव सेंस की फॉर्म में होगा सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्या मैं पत्र नहीं लिख चुकी होंगी विल आई हैव नॉट रिटन अ लेटर क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा विल ही हैव नॉट रिटन अ लेटर क्या वह लोग पत्र नहीं लिख चुके होंगे विल दे हैव नॉट रिटन अ लेटर सो देखा आपने जो नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेज होते हैं उनकी हेल्प है, उनके रूल्स की हेल्प से हमने कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी होती है कैसे हमने जो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब्स को इधर उधर करके उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं जैसे हमने पहले विल लगा दिया फिर हमारे सब्जेक्ट आए देन हैव देन उसके बाद अगर क्योंकि ये नेगेटिव का था इसलिए हमने नोट का यूज़ किया देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लास्ट टाइप इज डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स सो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में जैसे कि आप पूछ लेते हो किसी की वह वो ये काम कब कर चुका होगा सो डब्ल्यू एच फैमिली में आप किसी से क्वेश्चन करोगे विद हेल्प ऑफ वाई वेयर हाउ वेन ठीक है ऐसे वाले वर्ड्स लगेंगे उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ड्स दूसरे वाले जो जिनसे हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी होती है दैट इज विल एंड हैव उसका एंड वर्व की थर्ड फॉर्म सो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकती हूँ आपकी कि मैं पत्र कैसे लिख चुकी हूँ वाई विल आई हैव रिटन अ लेटर इट मीन्स कि मैं पत्र क्यों लिख चुकी हूँगी वाई विल आई हैव रिटन अ लेटर सो देखा आपने जब आपने ऐसे सेंटेंस पूछना होता है कि मैं पत्र क्यों लिख चुकी हूँ डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स पहले आ जाते हैं फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं देन सब्जेक्ट आएगा देन हैव ठीक है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलना चाहूँ कि मैं पत्र क्यों लिख चुकी होंगी तो मैं बोलूँगी क्यों नहीं लिख चुकी होंगी जो नेगेटिव का अगर आपने लगाना हो आई विद से वाई विल आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर ठीक है नेक्स्ट वह पत्र कैसे लिख चुका होगा हाउ विल ही हैव रिटर्न अ लेटर नेक्स्ट वह पत्र कब लिख चुके होंगे वेन विल दे हैव रिटर्न अ लेटर

विद द हेल्प ऑफ दिस रूल्स अपने इस रूल्स की हेल्प से अपने नोट्स बनानी हैं सन्टेंस की फॉर्मेशन करनी है ऐसी वाली एग्जाम्पल्स लेनी है कहाँ पर हमने फ्यूचर uh, का यूज़ करना है कहाँ पर प्रेजेंट कहाँ पर पास्ट रूल्स आपको मिल गए हैं ऑल इन ऑल वीडियो आई हैव आई हैव एक्सप्लेन ऑल टेंसेज इन डिटेल तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप उस वीडियो को अगेन एंड अगेन पॉज करके देखिए उसको समझिए अंडरस्टैंड करिए कि कैसे हमने जब रिटर्न में हेल्पिंग वर्ब्स लगानी होते हैं कहाँ पे आगे पीछे करना होता है स्पोकन में हम काफ़ी टाइम मिकस्टेक्स करते हैं वाई बिकॉज वी डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ रूल्स हमें पता ही नहीं होता कि हमने रूल्स कैसे अप्लाई करने होते हैं सो फ्रेंड्स दिस इज़ द लास्ट वीडियो आई होप यू 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 हैड हैव इंजॉयड दिस टेंस सीरीज थैंक यू ऑल ऑफ यू